तो आज का चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी परिमाप विचलन। इससे पहले हम मीन डेविएशन कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन ये हम कर क्यों रहे हैं? तो हमें पता है, मान लीजिए दो सेक्शन है, क्लास है कोई, उसके दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। मान लो इस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 बच्चे हैं, सबके मार्क्स हैं 50 50 50 50 50, और दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें किसी के मार्क्स हैं 10, किसी के 30, किसी के 50, किसी के 90, किसी के 100। अब अगर मान लो हम इन दोनों क्लास का एवरेज निकालते हैं, है ना, एवरेज, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन। तो इसका मान लो एवरेज निकल कर आता है 50, इसका भी मान लो एवरेज निकल कर आता है 50। तो हम क्या करते हैं, मीन से यह अंदाज़ा लगाते हैं कि एक सीरीज का एवरेज मार्क्स क्या है। मान लो हमको ये पता लगाना हो कि दोनों का मीन क्या है, दोनों की क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हम कहेंगे कि यार ये क्लास का भी मीन एवरेज 50 आ रहा है, इस क्लास का भी मीन एवरेज 50 आ रहा है, तो दोनों क्लास एक जैसी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या ये दोनों क्लास एक जैसी हैं? नहीं है। इस क्लास में ज़्यादातर बच्चों के 50-50 मार्क्स है, यानी इस क्लास में ना तो कोई बहुत ज़्यादा वीक बच्चा है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है। लेकिन इस क्लास में हम देखें कि एक बच्चे के 10 मार्क्स भी आए हुए हैं और एक के 100 और 90 भी आए हुए हैं। इसका मतलब इसमें इनइक्वालिटी, क्या मतलब इनइक्वालिटी, असमानता ज़्यादा है। असमानता को ही हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी किसी भी सीरीज में कितनी असमानता है, कितनी इनइक्वालिटी है, है ना, आपस में डेटा की, आंकड़ों की कितनी असमानता है, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, है ना, ये जो हम करेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम मेनली फोकस रखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है डेटा वगैरह में। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम किसी और वीडियो में थ्योरी क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए एक्स दे रखा है आपको 30, 90, 60, 75 और 30। अब आपको इसमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन एन। अब ये स्क्वायर रूट क्यों है मैं बता देता हूँ। पिछले वाला जो हमने मीन डेविएशन करा था उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा मोड डी अपॉन एन। तो इसमें हम मोड लगाते थे यानी माइनस को हटा देते थे। तो कुछ अर्थशास्त्री या स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं या मैथमेटिशियन होते हैं, उन्होंने बोला आप मोड लगाकर इसको माइनस को हटा देते हो, ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग है ना। तो किसी अर्थशास्त्री ये किसी स्टैटिस्टिशियन ने ये फॉर्मूला दिया कि पहले उसने डी स्क्वायर कर दिया और बाद में उसे स्क्वायर रूट कर दिया, यानी डेविएशन जो होता है, डेविएशन मीन्स है, उसको स्क्वायर करके फिर बाद में स्क्वायर रूट कर दिया, तो इससे उसने फॉर्मूला बनाया। तो फिलहाल हम देखते हैं कैसे चलेगा, इसमें हमें ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। डी डेविएशन निकालना है, डी का मतलब होता है एक्स माइनस मीन। तो हमें पहले सबसे पहले क्या चाहिए, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स यानी सिग्मा एक्स इसका टोटल हम देखेंगे क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स का हमारा टोटल आ रहा है 285। तो 285 नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 5, इसको हम कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 57। मीन आ गया हमारा 57। अब 30 में से हम 57 घटाएंगे तो आंसर आएगा 27 माइनस 33 3 18 माइनस 27। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर, हम क्या करेंगे इसको मैं रफ कर देता हूँ, हमें निकालना है डी स्क्वायर। तो 27 का डी स्क्वायर करेंगे हम तो 729 10 89 9 3 2 4 7 2 9, इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 2880। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा फॉर्मूले में 2880 स्क्वायर रूट अपॉन नंबर ऑफ आइटम 5, इसको हम कट करेंगे तो आएगा 576, इसका स्क्वायर रूट आता है हमारा 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद इसी में आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 24, मीन कितना आया था हमारा 57। तो 57 को हम यहाँ रख देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी परिमाप विचलन का गुणांक, ठीक। अब इसी का ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने मुश्किल लिया था जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, अब मैं एक ईजी क्वेश्चन लेकर आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए 6 14 10 8 17, इसमें हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो हमें पहले डी निकालना है एक्स माइनस मीन के लिए,
हमारे को मीन निकालना पड़ेगा, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो हम सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 4 14, ये 6 4 10, 8 18 8 7 25, 2 1 3 और 1 4 5, 55 55, नंबर ऑफ आइटम 5, आंसर क्या आ जाएगा 11, तो 11 को हम माइनस करेंगे, 6 में से 11 गया माइनस 5, 14 में से 11 गया 3, 10 में से 11 गया माइनस 1, 8 में से 11 गया माइनस 3, 17 में से 11 गया 6, फिर हम निकालेंगे डी स्क्वायर 5 25, 3 3 9 1 9 6 6 36, फिर हम निकालेंगे सिग्मा ई स्क्वायर, इसका हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा 9 5 14 15 15 9 5 24 24 6 30, 3 2 5 5 3 8, ठीक है 80 आ गया, 80 स्क्वायर रूट 80 अपॉन नंबर ऑफ आइटम 5, इसको हम करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5 5 6 30, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, है ना, तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम शॉर्ट में CSD लिखेंगे आगे, CSD इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 और हमारा मीन कितना था 11, तो ये लगभग आ जाएगा 0.3, ठीक। ये दो क्वेश्चन अभी आपको करने हैं, इसमें x दे रखा है ये, और आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपका 4, और इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.33। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है जिसमें x दे रखा है आपको 3 9 6 7 5, आपका इसमें मीन आएगा 6, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.33, ठीक है। इसके बाद है हमारा शॉर्टकट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे पहले तो वही फॉर्मूला लिख लेंगे जो हमें याद है, यही था, इसमें बाद में क्या करेंगे सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, हम वही वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है, बस फर्क बताता हूँ अभी, 30 90 60 75 और 30, मान लीजिए हमें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वो भी शॉर्टकट मेथड से, तो अब की बार हमें जो डी निकालना है, डी किससे निकलेगा एक्स माइनस ए यानी अज्यूम मीन, अब हमें मीन जो हमने पिछली वाली बारी में निकाला था हमें मीन नहीं निकालना, अज्यूम मीन लेंगे हम, पहले डी निकालेंगे एक्स माइनस ए, अज्यूम मीन किसी को भी कर सकते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं अज्यूम मीन 60 को, ठीक है, तो ये हमारा क्या है 60 अज्यूम मीन, तो हम इसको 60 को माइनस करेंगे तो 30 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 30, 90 में से 60 30, 60 में 60 0, 75 में से 60 आएगा तो 15, 30 में से 60 जाएगा तो माइनस 30, फिर हम निकालेंगे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना आएगा हमारा 900 900 0 225 900, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 2 9 2 9 2 5, ये आ गया हमारा सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक, और इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी का तो ये आएगा हमारा 15, ठीक है माइनस का, ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में लगाएंगे, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 2 9 2 5 अपॉन नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 5, माइनस सिग्मा डी कितना है सिग्मा डी माइनस 15, माइनस 15 और नंबर ऑफ आइटम 5, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसको अगर इससे कट करेंगे तो हमारा आएगा 585, ठीक है, और ये 5 3 15 तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 अंदर का स्क्वायर, ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 585 माइनस 3 3 9, ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 स्क्वायर रूट में 576, ठीक है, अभी 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 24, तो आंसर कितना आ गया हमारा 24। अब कई बार ये पॉइंट में भी आ सकता है स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे, तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, फिलहाल आप ये देखिए बस कि कैसे निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं दोबारा, क्वेश्चन 1 3 9 6 7 5, अब हमें इसमें निकालना है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, डी निकालेंगे एक्स माइनस अज्यूम मीन, अज्यूम मीन किसी को भी कर सकते हैं, तो इस बार हम 3 को अज्यूम मीन करते हैं, ठीक है, तो 3 हमारा अज्यूम मीन है, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, ठीक, इसके बाद हम
डी स्क्वायर निकालेंगे, 0 का 0 636, 339, 416, 24, ठीक। इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे कितना आएगा, 9 6 15 6 21 4 25 का 2 3 5 और 1 6, इसका टोटल आएगा 6 3 9 4 13 2 15। हम इसको करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ 65 नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 5 माइनस ये 15 और नंबर ऑफ आइटम 5 इसका स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक, माइनस 5 दिया 15, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 माइनस 3 दिया 9, तो इसे आगे हो जाएगा ये 13 में से 9 गए 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 आंसर हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी के जगह अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 2, मीन हमें निकालना पड़ेगा कितना होगा इसका, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं हम। खासकर एक और चीज़ बताता मैं चलूँ कि अब तो हमने ये सीख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, अब एक चीज़ होता है वेरियंस। तो ये वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, तो वेरियंस कितना हो जाएगा 100। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, तो वेरियंस कितना हो जाएगा 16। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, तो वेरियंस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ये वाले क्वेश्चन आपको करना है 30, इसका 30, 90, 60, 75, 50, इसका मीन आएगा 60, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 20 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.33। इस वाले में 15, 45, 30, 35, 25, मीन आएगा 30, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 10 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.33। इसके बाद है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें एक्स और एफ दोनों होते हैं। तो मान लीजिए ये है आपकी क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे सबसे पहले। तो हमारा पहले फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन था ना, अभी भी यही रहेगा लेकिन इसमें एफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला होता है, मीन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर डी, ठीक है। डी का डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस मीन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मीन। हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और ये सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब पहले हम निकाल लेते हैं एफ एक्स। तो 9 5 45 कितना आएगा, हम देखते हैं एक बार, 30 120 75 और ये 30, इसका टोटल आ जाएगा आपका 420। तो 420 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का टोटल आएगा आपका 30। तो 0 से 0 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 आ गया। तो मीन कितना आ गया आपका 14। तो x माइनस मीन, मीन कितना है 14। तो 5 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9, फिर माइनस का 4, 15 में से 14 जाएंगे तो 1, 20 में से 14 जाएंगे तो 6, 25 में से 14 जाएंगे तो 11 और 30 में से 14 जाएंगे तो 16। फिर हम निकाल लेंगे इसका डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर 981, 16, 1, 36, 121, 16 का हो गया 256, ठीक है जी। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद निकालेंगे एफ डी स्क्वायर, मतलब एफ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 729, 1648, 818, 636, 2106, 31 ये 383 आ जाएगा और इसका आएगा आपका 256। इसका टोटल हम निकालेंगे तो 1620, ठीक। अब फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये था स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एफ के साथ और नीचे एन, ठीक है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 1620, और ये एन जो होता है डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है एन, ये जो सिग्मा एफ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एन। तो ये कितना है हमारा 30, तो इसको हम कट कर देंगे 3, 3 5 15 का 1, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 54। 54 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं 77 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का क्या होता है 64। अब ये इन दोनों के बीच का है कुछ, तो 7 का स्क्वायर ये है और 8 का ये है, तो अब ये 54 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा किसके करीब पड़ रहा है। एक तो ये तरीका है इसको निकालने का, या फिर दूसरा होता है एक मेथड जिसमें हम इसके वो करते जाते हैं, है ना, तो उससे आप देख लेना, वैसे इसका आंसर आएगा 7.3।
वो चीज़ मैं मैथमेटिकल उसमें बता दूंगा, बाकी या फिर आप यूट्यूब पर देख लेना कि कैसे निकलता है किसी का भी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फिलहाल 54 का आएगा 7.3, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल लेकर देखते हैं सेकंड कैसे करेंगे इसमें। तो वही मैंने जैसे बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो पहले हमसे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डी, और डी निकालने का लिए है क्या, एक्स माइनस मीन। अब मीन चाहिए हमें सबसे पहले, तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो पहले निकालना पड़ेगा एफ एक्स, 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 60, 25 × 9 = 175। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो हम इसका टोटल करेंगे एक बार, इसका टोटल आएगा 500, हम यहाँ पर रख देंगे 500। इसका टोटल 2, 4, 6, 9, 6, 15, 15, 6, 21 और 1, 22। इसमें एक करेक्शन है कि ये 225 आएगा और हमारा इसका टोटल आएगा 550। तो 550 अपॉन 222, तो आंसर आएगा 25। तो हमें जैसे कि पता लग गया है कि हमारा मेन कितना आया है, 225 आया है। अब हम डी निकालेंगे, डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस मेन, मेन कितना है 25। तो 5 में 25 गए -20, 15 में से गए तो -10, 25 में से गए 0, इसमें से गए 10, इसमें से गए तो 20। फिर हम निकालेंगे एफ डी कितना आएगा, 2 × 2 = 4, डी स्क्वायर निकालेंगे हम, 2 × 2 = 4, 100, 0, 100, 200। एफ डी स्क्वायर निकाल देंगे कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 800, 400, 90, 600, 200। इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 4 = 12, 6 × 6 = 18, 2 = 20, ठीक। इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट 2000 अपॉन नंबर, एन कितना है 22, तो कितना आएगा हमारा देखते हैं एक बार। इसमें करेक्शन है, यहाँ पर आएगा 2, 2, 2, 4, 400, यहाँ पर भी ये 400, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2200, ये आ जाएगा 2200। तो आंसर कितना आएगा, 2200, तो आंसर आएगा 10। सी एस डी कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, 10 अपॉन मीन कितना आया था 25। तो ये जो भी आएगा कट के, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 2 upon 5 = 20, तो आंसर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का ही आ जाएगा। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें, इसमें देखना है हमें कि एक्स दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50 फ्रिक्वेंसी, और ये दे रखी है, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 10, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 0.28, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है हमारा शॉर्टकट मेथड अज्यूमिंग मेथड। जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेम लिखेंगे, वही लिख देंगे, डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। यही था ना इंडिविजुअल सीरीज में, इसमें क्या लग जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में एफ। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा डी। अब डी जो निकलेगा वो अज्यूमिंग से निकलेगा, यानी एक्स माइनस ए, है ना। डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डी का मतलब है एक्स माइनस ए। तो हम किसी को भी अज्यूमिंग ले लेते हैं, तो हम अपने मतलब माइनस से बचने के लिए, या फिर चलो 20 को ले लेते हैं हम अज्यूमिंग। तो हमने 20 को अगर अज्यूमिंग लिया, या 15 को ले लेते हैं अज्यूमिंग, ठीक है 15 को, तो 5 में से 15 गया तो कितना बचे, कितना आएगा -10, 10 में से 15 गया तो माइनस का 5, 15 में 15 0, 20 में से 15 गया 5 10 15, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, डी एफ डी निकालेंगे और डी स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90, तो हम एफ डी निकालेंगे, 3 × 5 = 15, ये आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, 800, 6 × 5 = 30, 3 × 30 = 15, फिर हम डी स्क्वायर निकालेंगे इसका 100, 25, 0, 25, 100, 225, है ना। फिर हम एफ डी स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 900, ठीक है, 75,
A0, 150, 300, 225. तो इसका टोटल आएगा आपका 1650. ठीक, तो फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का? सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना आया? सिर्फ सिग्मा एफ डी स्क्वायर 1650. नंबर ऑफ आइटम, एन जो होता है वो यही होता है सिग्मा एफ. ठीक है, सिग्मा एफ कितना है हमारा? एन जो है वो है 30. ठीक है, 30 माइनस ये सिग्मा एफ डी कितना है? सिग्मा एफ डी हमारा आएगा माइनस प्लस करके माइनस 30. तो माइनस 30, एन कितना है हमारा? 30. तो ऐसे आ जाएगा स्क्वायर, इसका क्या होगा? स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट. ठीक है, तो जीरो से जीरो गया, 3 × 15 का एक, 3 × 15 55 माइनस ये गया, तो अंदर बचा माइनस का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 55 माइनस 1, तो ये आएगा आपका 54. और जैसे हमने पहले करा था, 54 का कितना होता है? 7.3 स्क्वायर रूट. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? 7.3. और हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, वो तो होता ही है. हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं. मान लीजिए आपको एक्स दे रखा है 10, 20, 30, 50. ठीक है, आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1, 3, 2, 2, 2. ठीक है, तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा डी, जो कि होता है एक्स माइनस ए. तो डी निकालेंगे एक्स माइनस ए, अज्यूमिंग किसी को भी ले सकते हैं, तो 30 को ले लेते हैं. मान लीजिए 30, तो 10 में से 30 गया माइनस 20, 20 में से 30 गया कितना आएगा? माइनस 10, 0, 10, 20. फिर हम निकाल लेंगे एफ डी, माइनस 20, माइनस 30, 0, 20, 2×4, 40. ठीक है, फिर डी स्क्वायर निकाल लेंगे हम, डी स्क्वायर कितना आएगा? 400, 10, 100, ये 100 और ये 2×4, 400. फिर हम निकाल लेंगे एफ डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एफ, ये 400, 300, 0, 200, 2×8, 800. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं हम, 4×3, 7×2, 9, 8, 17. फिर इसका टोटल निकाल लेते हैं एफ डी का, माइनस 30 से 3×2, 5, 5, 6, तो आ जाएगा प्लस का 10. तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड एफ डी का स्क्वायर अपॉन एफ माइनस, जिसको एन भी बोल सकते हैं, सिग्मा एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर. ठीक है, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है हमारा? 4×3, 7×2, 9, 8, 17. बिल्कुल ठीक, 1700 अपॉन नंबर ऑफ ये एफ कितना है? एन, या फिर हम बोल लेते हैं सिग्मा एफ कितना है? 3 × 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10. 10 ये कितना है? सिग्मा एफ डी 10 अपॉन ये कितना है हमारा? 10 और नंबर ऑफ आइटम 10. तो ये आ जाएगा हमारा, ये इसका स्क्वायर चलेगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 से 0, तो यहाँ बचा 170 और यहाँ बचा 1. तो अब ये आगे कितना आएगा? 169. 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का. तो 13 हमारा क्या है? आंसर. इसके बाद अगर हम सी एच डी निकालना चाहें, तो वही फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. तो हमें मीन तो इसमें पता नहीं, क्योंकि हमने अज्यूम मीन मेथड से किया है. ठीक है, अभी मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम बढ़ेंगे कंटिन्यूस सीरीज पर. ये दो क्वेश्चन है आपको करने, जैसे कि ये वाले में हम देखेंगे कि एक्स दे रखा है आपको ये, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 26 और कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.5. इस तरह इसका आएगा ये, इसमें दे रखा है एक्स और एफ, तो हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5.8 आएगा और कोएफिशिएंट ये आएगा. तो मैं बता दूं कि पॉइंट वाले में हमें ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा. जब भी मान लीजिए अगर 64 है, तो हम इसको अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो हम इसका पेयर बनाते हैं. तो ये कितने से जा रहा है? ये तो हमें पता है 8 से जा रहा है ना, तो ये क्लियर हो जाता है. इसी तरह हमको निकालना होता है, आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं. खासकर मैं एक और बात बता दूं, जब भी हम वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस क्या होता है? जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2, तो वेरिएंस कितना होगा? 4. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3, तो वेरिएंस कितना होगा? 9. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. इसके बाद है क्लास इंटरवल सीरीज, है ना.
क्लास इंटरवल सीरीज कौन सी होती है जिसमें x इंटरवल में होता है, जैसे कि मान लो x दिया हुआ है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये दे रखा है 2, 4, 9, 6, 1, ठीक है। अब आपको निकालना है इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सेम है, स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ एफ लग जाएगा जैसे इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में लगा था। अब ये जो डी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस मीन। अब मीन कैसे निकलेगा, मीन जो है कॉन्टीन्यूअस सीरीज में कैसे निकलता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, या फिर इसको सिग्मा एफ को हम एन भी बोल सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 2, 4, 6, 9, 6, 15, 15, 6, 21 और 1, 22, ठीक है। ठीक है, ये तो आ गया 22। अब हमें एफ एम चाहिए, तो पहले हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। मिड पॉइंट कैसे आएगा, इसका मिड पॉइंट है 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। फिर एफ एम निकालेंगे, 5 × 10 = 60, 25 × 175 = 225, 35 × 6 = 210, और ये 45। इनका हम टोटल करेंगे, 5 × 5 = 10, 1 × 2 = 6, 8 × 8 = 10, 11 × 11 = 14, 15 × 1 = 3, 2 = 5, 550। यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम करते हैं 550/22, तो आएगा आपका 25, ठीक है। तो मीन कितना आ गया, 25। अब यहाँ से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मीन कितना आ गया 25। अब हमें निकालना पड़ेगा डी, डी कैसे निकलेगा, एम माइनस मीन, ठीक है। मीन कितना है 25, 5 में से 25 गया -20, 15 में से गया -10, 25 में से गया 0, 35 में से गया 10, इसमें से गया 20। फिर निकालेंगे एफ डी, सॉरी डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना निकलेगा, 400, 100, 0, 100, 400, इसका टोटल कर, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें ये चाहिए ना। तो 2, 4, 8, 4, 400, 0, 600, 600, 400, ये आएगा 6, 4, 10, 8, 4, 12, 2200, ठीक है। फिर हम इसको रख देंगे यहाँ पर, 2200 अपॉन एन कितना है 22, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22 से कम 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह अगर इसके आगे हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 और स्टैंडर्ड मीन कितना था 25, तो ये हम 2/5 आ जाएगा और 5 0.4, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है ये वाला, एक्स दे रखा है एफ दे रखा है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो पहले हमें चाहिए डी, डी के लिए चाहिए मीन, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो पहले हम एम निकाल लेते हैं, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 0 से 4 का 2, 4 टू 8 का क्या होगा 6, इसका 10, ये 14 और 18। एफ एम निकालेंगे, 2 × 4 = 6 × 12 = 20 = 28 = 36, इसका टोटल करेंगे 4 × 6 = 14 = 20 × 2 = 3 × 5 = 7 × 10, 100। सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 2, 6, 2, 5, 10, ये 10 है ना सिग्मा एफ, तो आंसर आ जाएगा 10। इसके बाद ये हमारा मीन आ गया, अब थोड़ा सा रफ करते हैं इसको। अब हमें निकालना है डी, डी निकलता है एम माइनस मीन, मीन है हमारा 10, 2 में से 10 गया -8, 6 में से गया तो -4, 10 में से 10 गया 0, 14 में से 10 जाएगा 4, -8, ठीक है। फिर डी स्क्वायर कर देंगे, 8 × 2 = 64, 4 × 16 = 0, 4 × 16 = 64, फिर एफ डी स्क्वायर कर देंगे, 2 × 8 = 2, 6 × 12 = 16, 16 × 32 = 0, 16 × 32 = 64, 128, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, ये हमारा माइनस में रहेगा और सॉरी ये माइनस में नहीं रहेगा, सब प्लस हो गया है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट, इसका टोटल देखते हैं कितना आता है, 128, इसका 128
ये आ गया 384 अपॉन नंबर, ये कितना है 10, ठीक है, इसको हम करेंगे तो आंसर आएगा 38.4 का स्क्वायर रूट। फिर हम इसका जो भी निकालेंगे इसका आंसर आ जाएगा हमारा लगभग 5.6। कैसे आएगा वो आप YouTube पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालना, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे निकालते हैं। 38.4 इसको हम पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, इसका कोई पेयर नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं 0, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कितने से कट जाएगा, 6 6 36 या 5 5 25, तो ये तो 38.4 आ रहा है ना, ये 6.4 समथिंग आएगा, चलो जो भी है 6 6 36 तो 2.4 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 6 6 12 हो जाएगा यहाँ प्लस। तो अब हम देखेंगे कितने से होगा ये, 12 1 12 या 1 2 2 120 240 24, हाँ तो ज़्यादा हो जाएगा 121 तो ये ऐसा इसका मेथड होता है, ठीक है। इसको जो ही हम यहाँ लेते हैं वही यहाँ पर लेते हैं, उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। आप YouTube पे देख लेना, उसके लिए एक अलग वीडियो है, ये मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 6.1 है, ठीक है। फिर मैं अगले दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें दे रखा है एक्स, ये दे रखा है एफ, ये दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आएगा, इसमें CSDA आएगा, ये वाला भी देख लो एक बार, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एफ लगा देंगे बस, ठीक है, जिससे पहले किया था। अब इसके लिए अब मान लीजिए क्वेश्चन है हमें दे रखा है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1 2 4 2 1। अब मान लीजिए इसमें हमें करना है तो हम क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा मिड पॉइंट माइनस अज्यूम मीन। पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसका 5, इसका 15, इसका 25, 35, 45, फिर निकालेंगे हम डी एम माइनस ए। अब इसमें तो कुछ भी अज्यूम मीन ले सकते हैं हम, मान लीजिए 25 ले लेते हैं तो 25, 5 में 25 गए 20, 15 में 25 गए 10, 0, 10, 20, ये माइनस का आएंगे। इसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर, तो 400 100, पहले एफ डी निकाल लेते हैं, एफ डी तो 1 माइनस 20 माइनस 10, ये आएगा -20, ठीक है, ये आएगा 0, ये आएगा 20, ये आएगा 20, तो ये तो 20 2 10 20, ये तो 0 हो जाएगा, हाँ जी तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो करते हैं इसका, ठीक है। ये है हमारा एफ डी स्क्वायर, फिर निकालेंगे डी स्क्वायर, 400 100 0 100 400, फिर एफ डी स्क्वायर, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 400 200 0 200 400, इसका टोटल करेंगे हम 4 2 6 2 8 4 12 1200। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू को 4 1200, इसका कितना था 2 1 3 4 3 7 2 9 1 10 10, ये कितना है हमारा, ये हमारा आ रहा है 0, तो ये 0 अपॉन ये कितना है नंबर ऑफ आइटम, ये 10, तो ये 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, है ना, ये तो 0 आ जाएगा, तो 1200 ये कितना हो गया 120, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 120। 120 कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हम मान सकते हैं ये 10.99 के करीब आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, इसको आपको उससे शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है। इसका आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 13.09 लगभग, और CSD आएगा आपका 0.52। अब ये अपना पॉइंट वॉइंट से मत डरना,
अगर आपने यहाँ तक भी सॉल्व कर दिया ना, जो भी वैल्यू यहाँ पर आई यहाँ आई है ना, तो आपका या मान लो आपने एफ डी स्क्वायर डी स्क्वायर सब निकाल दिया है, एंड में आपका ये गलत आ रहा है आंसर, बाकी सब आपने स्टेप फॉलो किए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 5.5 नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर कटेगा आंसर का, बाकी जो भी होगा उस हिसाब से कटेगा, ठीक है।